विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी गोरक्ष प्रांत द्वारा प्रांत संयोजिका रानी साहनी के नेतृत्व में दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा सप्तशती पाठ एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम दुर्गा चौक स्थित एक लॉन में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि द्वारा विश्व हिंदू परिषद के संस्कृति विभाग की क्षेत्रीय संयोजिका लखनऊ क्षेत्र कल्पना रही, जिन्होंने जगत जननी माँ दुर्गा एवं राम दरबार के सम्मुख पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलित किया। जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की मातृशक्ति सीता और पार्वती सौम्यता रखने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर माँ काली और चंडी की भांति रौद्र रूप अपना सकती हैं। मातृशक्ति में इसी भावना को जागृत करने के लिए हम सब जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और विश्व हिंदू परिषद उक्त कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति में दुष्टों के संहार एवं परिवार में संस्कार का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री परमेश्वर कुमार, प्रांत सह मंत्री शगुन श्रीवास्तव, डॉक्टर जी के सिंह, शीतल, राहुल, करिमा, रागिनी, संजना, अनुष्का, मुस्कान, दिव्या, मोहिनी, रोशनी, माया, वंदना, विनीता, स्वीटी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, दीप ज्योति जनार्दना दीप धी विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके उच्च मध्यम और निम्न स्वर में एक साथ श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाई तरफ दीदी रानी सानी जी प्रांत सह संयोजिका दुर्गा वाहिनी विभाग अभिनंदन करते हो। परमेश्वर भाई साहब जी प्रांत संगठन मंत्री रुक्मणा जी आए और देखा दुर्गेश त्रिपाठी। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी द्वारा पूरे भारतवर्ष में शक्ति की स्वरूप माँ जगदम्बा के आराधना के 9 दिनों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें आज ये गोरखपुर महानगर की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा शस्त्र पूजन एवं दुर्गा अष्टमी का एक कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और इसके द्वारा ये दिया जा रहा है कि जो हमारी आधी आबादी है ये किसी प्रकार से कम नहीं है, ये शक्ति का रूप है और यही माँ जगदम्बा ने हम सबको बताया था कि जो स्त्री है वो जननी है, वो उसके पास सारा जो है भगवान ने दे रखा है, अगर वो चाहे तो आने वाले वंश को संस्कारों से भर सकती है, वो चाहे तो देश में परिवर्तन ला सकती है, वो चाहे तो काशी विश्वनाथ का मंदिर बना सकती है, वो चाहे तो प्लेन उड़ा सकती है, वो चाहे तो ट्रेन चला सकती है। उसी शक्ति के आह्वान के लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। यही कहेंगे कि औरतों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से औरतों के अंदर माताओं बहनों के अंदर आत्मबल और आत्म सुरक्षा की भावना को सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए।